जय हिंद। आइए देखिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसे डिकोड करने का प्रयास करते हैं। 1981 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1B है, ठीक है, पेपर 1 सेक्शन बी। द स्टेट्स आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, आप देखोगे कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, एक भारत में संघवाद भी है, इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, फेडरेशन या फेडरलिज्म, ठीक है, और आपको लगभग 28 से 29 तो सिर्फ राज्य हैं और इसके अलावा कई केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है। तो आप लोग जब देखते होंगे GST काउंसिल की समिट होती है या नीति आयोग की समिट होती है तो डिफरेंट राज्यों के मुख्यमंत्री का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस भारत को कई एक छोटे छोटे प्रांतों में जो है डिवाइड किया गया है, ये सबको मालूम है। बचपन से आप लोग जो है राज्य राजधानी याद करते थे ना, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ठीक है, दिल्ली का नई दिल्ली, इस प्रकार से उड़ीसा का भुवनेश्वर, असम का जो है दिसपुर, ठीक है, तो नागालैंड का कोहिमा, इस प्रकार से हम लोग रटते थे ना, ठीक है। तो स्टेट्स आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, और स्वाभाविक सी बात है कि भारत जो है वह संविधान से संचालित होता है कि नहीं, मतलब वो भारत में कोई भी कार्य होंगे तो वो संविधान के अकॉर्डिंग ही होंगे, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इनफैक्ट म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी जो है कह सकते हो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो है संविधान में ही उसका जो है वर्णन मिलता है, सबसे पहले कह सकते हो कि तो स्टेट्स आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कहा है तो सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही जो है संचालित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा यहां क्या है कि नो बेटर और डिफरेंट फ्रॉम ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपालिटी। देखो म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली में MCD है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली में MCD है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, फिर दिल्ली में ही केंद्र सरकार बैठती है। तीन स्तर पे, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आप देख रहे हो, म्यूनिसिपैलिटी का, दिल्ली गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का, ठीक है, ये तो दिल्ली की बात है। ठीक उसी प्रकार यूपी, मान लेते हैं यूपी में अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो हर एक जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह हो जाते हैं, शहर हो जाते हैं, ठीक है, उसमें जो है कह सकते हो कि MCD वगैरह होता है या म्यूनिसिपल काउंसिलर वगैरह, म्यूनिसिपल जो चेयरमैन वगैरह, मतलब मेयर वगैरह जो चुने जाते हैं, तो सबसे निचले पायदान और थर्ड लायर ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट माने जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी। कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं वो संविधान के अंतर्गत काम करते हैं और राज्य की जो है तुलना यहाँ म्यूनिसिपैलिटी से की गई है, ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी से। जैसे लंदन जो है वो एक बहुत बड़ा म्यूनिसिपैलिटी है और उसके मेयर को बहुत पावर होता है, ठीक है। यहाँ देखो कहा जा रहा है क्योंकि राज्य की कोई अपनी शक्ति नहीं है, बात समझ में आ रही है, मुख्यतः राज्य जो है शक्ति संविधान से अर्जित करता है और संविधान में संशोधन केंद्र सरकार करती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कहा जा रहा है कि देखो राज्य की जो तुलना वह एक बढ़ा चढ़ाकर किया गया म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही है, इसके सिवा राज्य कुछ नहीं है। कुछ हद तक यह सही भी है, ठीक है, कुछ हद तक इसे तार्किक भी मान लिया जाए, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माण के समय 3 सूची तैयार किए गए थे। क्योंकि अगर राज्य आप बना रहे हो तो उसका कुछ तो उद्देश्य और पर्पस होगा। एक तो हो गया यूनियन लिस्ट, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम कानून बना सकती है, जैसे रेलवे हो गया, कह सकते हो टेलीग्राफ हो गया, कह सकते हो पोस्टल हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, इसंट इट। और दूसरा स्टेट लिस्ट, जिसमें कि राज्य सरकारें कानून बनाएं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है समवर्ती सूची, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है नियम बनाती है। लेकिन अगर उसी विषय पर केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाया जाता है तो केंद्र के नियमों का ही पालन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि राज्य सूची में भी बहुत सारे ऐसे सूची बनाए गए हैं और सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर राज्य स्वतंत्र है नियम बनाने के लिए। तो मेरा ऐसा तर्क है कि यह ग्लोरीफाइड जो है म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, बल्कि भारत
का जो स्टेट है वो कोई एग्रीमेंट के तहत भारत का निर्माण किया ऐसा नहीं है, बल्कि भारत ने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट राज्यों का जो है कह सकते हो गठन किया। तो इसलिए जब हम अमेरिका से तुलना करते हैं तो कई बार यह कहते हुए दिखाई देता है कि इंडिया इस इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ कह सकते हो कि स्टेट, कि भारत का स्टेट कभी भारत से अलग नहीं हो सकता और भारत सरकार चाहे तो किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को बनाया, किसी भी राज्य को दो हिस्सों में बांटकर दो राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य की लैंड बाउंड्री और सीमाओं को इधर उधर बदल सकती है, किसी का भी नाम जो है चेंज कर सकती है। तो केंद्र सरकार अपनी जो है कह सकते हो देश की जो है शासन व्यवस्था और प्रशासन को सुचारू रूप चलाने के लिए जो है ऐसी व्यवस्था की सारे स्टेट मिलकर भारत का निर्माण कर गया, ऐसा नहीं है। तो इंडिया इज अ इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये है स्टेट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नो बेटर और डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोरीफाइड म्यूनिसपालिटीज, ये एक तर्क हो सकते हैं क्योंकि हर चीज की आलोचना होती है, इतना याद रखना। आप कितना ही अच्छा जो है कह सकते हो ना कि चीज का निर्माण कर ले, आलोचक जो होते हैं अपने तरीके से उसकी आलोचना करते ही हैं, तो इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। और हमें यहाँ समझना है कि स्टेट और सेंटर दोनों पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव करते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हम लोग अगले क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करेंगे।